फलों के राजा आम की आवक बाजारों में बढ़ गई है। लॉकडाउन के बीच थोक मंडी के अलावा गली मोहल्लों में ठेलों पर बिक रहे कपूरी और दशहरी आम अपनी खुशबू और मिठास से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शास्त्री चौक पर ठेलों और साइकिल पर सजे ये आम खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। आम विक्रेता सीबू शिवपूजन नंदू और दशरथ ने बताया कि दशहरी आम 50 रुपए प्रति किलो है तो वहीं कपूरी आम 60 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बाजार में खरीदारों के नहीं आने से रौनक नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आम विक्रेता शिबू शिवपूजन नंदू और दशरथ ने कहा, कैसे भैया आम? 50 रुपये। कौन सा आम है? है। लोकल है कि बाहरी है? लोकल है। डिमांड है आम की इस समय कि नहीं? 2.5 किलो 2.5 किलो 2.5 किलो। कौन आम है भैया? कपूरी। कपूरी क्या रुपया किलो? कैसे दे रहे हैं? 60 रुपये है भैया? 50 रुपये 100 रुपये सीव सीव। आप कौन सा आम बेच रहे हैं और कितना डिमांड है? कपूरी है। कितने रुपए किलो बिक रहा है? 50 रुपये किलो। लोग ले जा रहे हैं? हाँ सर। शिवपूजन सर दशहरी। कितना डिमांड है आम का? आम का डिमांड कहाँ नहीं सर। हमारा नाम नंदू है साहब। कपूरी बेच रहे हैं साहब, किसी तरह जीवन चल रहा है, बेच रहे हैं हम लोग, रोजी रोटी चल रहा है। दशहरा साहब कौन सा आम बेच रहे हैं, कितने रुपए किलो? दशहरी आम दे रहे हैं 100 में 2 किलो। कितना डिमांड है ये आम? मोटा मोटी मानिए ना 40 नहीं 20 गाड़ी आम कपता है यहाँ पर। आ गया है मार्केट में ये बेरा 100 गाड़ी है।